अब बिहार के किशनगंज में लोकसभा सीट के दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह किशनगंज लोकसभा सीट के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने क्षेत्र का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान दामलबारी, पोठिया, ठाकुरगंज, लोहागढ़ा सहित पवाखली क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता एवं सम्मानित मतदाताओं ने अख्तरुल ईमान का भव्य स्वागत किया और चुनाव जीतने का आश्वासन दिया। मैंने चुनाव के बाद ही किशनगंज पार्लियामेंट हलका के तमाम दल सम्मानित वोटरों का मौजूदा हजरात में शुक्रिया अदा किया है। लोगों ने मेरी खातिर या समाज के मजलूमों के खातिर या यमायम की फतेह के खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हर जगह लोगों ने चिलचिलाती धूप में गाड़ियाँ दौड़ाई हैं, नौजवानों ने जलसे कामयाब किए। मेरे पास अल्फाज नहीं किस अल्फाज में मुबारकबाद दूँ। वक्त का वजीर आला होता आता है और हमारा आदमी बोला वहाँ पर, एक आदमी हमारा सुजापुरी अंदाज में कि मुँह नुका के भाग गया, और हमारा एक आम नेता आता है और उसके जलसे में इतनी भीड़ होती है और चीफ मिनिस्टर के जलसे में भीड़ नहीं होती है। ये सारे जज्बे हैं, ये सारी कुर्बानियाँ हैं लोगों की। इसलिए मैं फुर्सत के अवकात थे सोचा भाइयों को सलाम आदाब कर लूँ, चल के जरा से मिल लूँ। इसी कड़ी में अभी दामलबारी आया हूँ, रतवा में रुकूँगा, जाऊँगा पोठिया रुकूँगा, फिर ठाकुरगंज, लोहागरा, पवाखाली मरकजी मकाम पर जाता हूँ कि मैं सब लोगों से मिलूं। क्या लगता है सर कि एक तरफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान और दूसरी तरफ विकसित भारत के बीच में आपका ये जुमलेबाजों के जुमले हैं जी। नफरत और मोहब्बत ये इनकी जुमलेबाजी है। नफरत तो यकीनन है बीजेपी ने फैलाई है, लेकिन खून की होली तो कांग्रेस ने भी खेली है। इसलिए उनके नफरत और उनके मोहब्बत का मामला अपनी जगह जाइए। ये फूल वहीं खिल सकता है जहाँ अमन अमान कायम हो, नफरत वहीं मिट सकती है जहाँ अमन अमान कायम हो। इसलिए हम अदल व इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अदल व इंसाफ के कयाम के बगैर न फूल खिल सकता है न खून का बहना बंद हो सकता है। अब बिहार के किशनगंज में लोकसभा सीट के दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह किशनगंज लोकसभा सीट के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने क्षेत्र का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान दामलबारी, पोठिया, ठाकुरगंज, लोहागढ़ा सहित पवाखली क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता एवं सम्मानित मतदाताओं ने अख्तरुल ईमान का भव्य स्वागत किया और चुनाव जीतने का आश्वासन दिया। मैंने चुनाव के बाद ही किशनगंज पार्लियामेंट हलका के तमाम दल सम्मानित वोटरों का मौजूदा हजरात में शुक्रिया अदा किया है। लोगों ने मेरी खातिर या समाज के मजलूमों के खातिर या यमायम की फतेह के खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हर जगह लोगों ने चिलचिलाती धूप में गाड़ियाँ दौड़ाई हैं, नौजवानों ने जलसे कामयाब किए। मेरे पास अल्फाज नहीं किस अल्फाज में मुबारकबाद दूँ। वक्त का वजीर आला होता आता है और हमारा आदमी बोला वहाँ पर, एक आदमी हमारा सुजापुरी अंदाज में कि मुँह नुका के भाग गया, और हमारा एक आम नेता आता है और उसके जलसे में इतनी भीड़ होती है और चीफ मिनिस्टर के जलसे में भीड़ नहीं होती है। ये सारे जज्बे हैं, ये सारी कुर्बानियाँ हैं लोगों की। इसलिए मैं फुर्सत के अवकात थे सोचा भाइयों को सलाम आदाब कर लूँ, चल के जरा से मिल लूँ। इसी कड़ी में अभी दामलबारी आया हूँ, रतवा में रुकूँगा, जाऊँगा पोठिया रुकूँगा, फिर ठाकुरगंज, लोहागरा, पवाखली मरकजी मकाम पर जाता हूँ कि मैं सब लोगों से मिल। क्या लगता है सर कि एक तरफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान और दूसरी तरफ विकसित भारत के बीच में आपका ये जुमलेबाजों के जुमले हैं जी। नफरत और मोहब्बत ये इनकी जुमलेबाजी है। नफरत तो यकीनन है बीजेपी ने फैलाई है, लेकिन खून की होली तो कांग्रेस ने भी खेली है। इसलिए उनके नफरत और उनके मोहब्बत का मामला अपनी जगह जाइए। ये फूल वहीं खिल सकता है जहाँ अमन अमान कायम हो, नफरत वहीं मिट सकती है जहाँ अमन अमान कायम हो। इसलिए हम अदल व इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अदल व इंसाफ के कयाम के बगैर न फूल खिल सकता है न खून का बहना बंद हो सकता है।